गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेन सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 बुक्स आर अवर गुड फ्रेंड्स। ओपन पेज नंबर 55 पेज नंबर ओपन कीजिए। चैप्टर है हमारा 9 बुक्स आर अवर गुड फ्रेंड। जो हमारी पुस्तकें होती हैं वो हमारी अच्छी दोस्त या मित्र होती है। चैप्टर को देखो, रीड कर रहा हूँ। डॉक्टर श्याम केम टू रिसीव एट द स्टेशन। डॉक्टर श्याम आते हैं टू रिसीव लेने के लिए, रिसी को एट द स्टेशन, वह स्टेशन से लेने आते हैं। रिसी आ चुका था टू विजिट भ्रमण के लिए हिज अंकल अपने चाचा के पास। डॉक्टर श्याम फार्म हाउस, डॉक्टर श्याम के फार्म हाउस पर। आफ्टर दे रीच पहुंचने के बाद द फार्म हाउस हिज अंकल सो, उसके चाचा ने दिखाया हिम द फार्म हाउस, इसी को अपना फार्म हाउस दिखाया। द स्विमिंग पूल, अपना स्विमिंग पूल को दिखाया। एंड ए स्मॉल पॉल्ट्री फार्म, एक छोटा सा पॉल्ट्री फार्म था वो भी उसके चाचा ने ऋषि को दिखाया। ऋषि वॉज वेरी हैप्पी, यह सब देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हो गया। टू बी देयर, वहाँ पर इन चीजों को देखा ऋषि का मन प्रसन्न हो गया। ऋषि लाइक द प्लेस, ऋषि ने उस स्थान को पसंद किया। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ इट्स ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदरता थी। एंड सेरेनिटी, और शांति थी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति। इट वॉज फार अवे, यह दूर था। फ्रॉम नॉइज, शोर से दूर था। एंड एयर पॉल्यूशन, और वायु प्रदूषण से वह स्थान बहुत ही दूर था। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ऋषि ने शुरू कर दिया फीलिंग डर, जहाँ पर वो जाता था उसकी फीलिंग बहुत ही कम हो गई। ही ट्राइड, उसने कोशिश की टू एंटरटेन हिमसेल्फ, अपने आप को मनोरंजन करने के लिए। वाइल स्विमिंग, अब उसने विचार किया कि वह स्विमिंग करेगा। एंड लुकिंग आफ्टर द हेंस, और वहाँ पर जो पॉल्ट्री फार्म है उसके चाचा का, वहाँ पर मुर्गियां हैं, उनकी देखभाल करेगा। वट नथिंग हेल्प, कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। ही लुक्ड सैड, उसने दुख पूर्वक कहा। डॉक्टर श्याम ने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या घटना हो गई। डोंट यू फील हैप्पी हियर, तुम यहाँ पर प्रसन्न क्यों नहीं हो। अंकल, ऋषि ने आंसर दिया, अंकल चाचा, आई एंजॉय, मैं आनंद लेता हूँ स्विमिंग, मैं स्विमिंग करूंगा हियर, यहाँ पर। एंड आई रन अराउंड, और दौड़ लगाऊंगा द गार्डन, और जो बगीचा उसके चारों ओर दौड़ लगाऊंगा। बट लेकिन आफ्टर डेट, इसके बाद आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ वॉट टू डू, क्या किया जाए। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड हियर, यहाँ पर मेरा कोई मित्र नहीं है। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूंगा। अंकल चाचा, स्पोक ऋषि, ऋषि ने अपने चाचा से सारी बात कह दी। अंकल सेड, क्या होता है, चाचा ने कहा दिस इज माई पर्सनल लाइब्रेरी, यह हमारी एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी पुस्तकालय है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, अंकल ने कहा यह हमारे सच्चे मित्र होती है पुस्तक। एंड आई स्पेंड, और मैं व्यतीत करता हूँ ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय विद देम, उनके साथ। ऋषि ग्लेंस्ड एट द रैक्स, ऋषि ने एक दृष्टि डाली रैक्स पर, यहाँ पर रैक्स बनी हुई थी फुल ऑफ बुक्स, रैक्स में सारी किताबें भरी हुई थी। एंड आस्क, और उसने पूछा अंकल चाचा हैव यू रीड ऑल ऑफ देम, क्या आपने सभी किताबें पढ़ ली हैं। पेज नंबर 56 को लिए, यस हाँ, नॉट इन ए डे, एक दिन में नहीं पढ़ी है। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया है कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स, मैंने किताबों का संग्रह किया है। एंड रीडिंग बुक्स, और किताबों को पढ़ा है। When I was of your age, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। And then the number of books, तब मेरे पास बहुत सारी किताबें थी। Increased,
एंड इट बिकेम ए सोर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज, और मैंने इन किताबों की सहायता से बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया। यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट द हैबिट, यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट, तुम कल्टिवेट विकास कर सकते हो द हैबिट अपनी आदत का ऑफ रीडिंग बुक्स, एक अपनी आदत बना लो जिसमें आप किताब पढ़िए, सेड अंकल, चाचा ने कहा। बट लेकिन अंकल, लेकिन चाचा, वी हैव टू रीड, हमें पढ़नी पड़ती हैं सो मेनी सब्जेक्ट बुक्स, मुझे जो सब्जेक्ट बुक्स होती हैं, विषय किताबें होती हैं विषय से संबंधित, वो भी मुझे पढ़नी पड़ती है, सेड ऋषि, ऋषि ने कहा। अंकल सेड, चाचा ने उत्तर दिया, सो व्हाट, यू कैन नॉट चूज योर सब्जेक्ट, यू कैन नॉट चूज, तुम क्यों नहीं चुन लेती हो अपनी सब्जेक्ट बुक, बट हियर यू कैन चूज बुक्स, लेकिन यहाँ पर किताबों को चुन सकती हो ऑफ योर लाइकिंग, जो किताब तुमको पसंद है। आई हैव गॉट स्टोरी बुक्स, मुझे कहानियों की किताब बहुत पसंद है, बाई आर के नारायण, जिसके राइटर हैं आर के नारायण, उनकी किताब मुझे पसंद है। टॉलस्टॉय की किताब पसंद है, टैगोर की किताबें पसंद है, ये ऋषि ने उत्तर दिया। ए वैरायटी ऑफ जनरल नॉलेज, एक विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान होता है, बुक्स, जो बुक्स कुछ किताबें ज्ञान वाली किताबें होती हैं, शिक्षा प्रद होती हैं, जोक्स बुक्स, कुछ किताबों में जोक्स लिखी होती है, एंड मेनी मोर, और कुछ अधिक बातें होती हैं। ऋषि टुक ए राउंड, ऋषि ने एक चक्कर लगाया, एंड सिलेक्टेड वन पर्टिकुलर स्टोरी बुक, तो ऋषि ने एक विशेष रूप से कहानी की पुस्तक चुन ली, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट, और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फ्रॉम देन एवरी डे, वह रोज पढ़ता था, ही यूज टू गो टू डॉक्टर श्याम्स लाइब्रेरी, उसे जाना पड़ता था डॉक्टर श्याम्स की पुस्तकालय पर फॉर रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ने के लिए। When Rishi was going back to his house, जब ऋषि अपने घर वापस आ रहा था, अंकल gave him a lot of books, चाचा ने उसको बहुत सारी किताबें दी, as a gift, एक उपहार में। ऋषि made book reading a regular habit, ऋषि ने बना लिया किताबों को पढ़ना एक regular habit, एक नियमित आदत सी बना ली। It increased, यह बढ़ती है, हिज नॉलेज, किताबों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, एंड थिंकिंग पावर, और सोचने विचारने की शक्ति भी बढ़ती है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही पार्टिसिपेटेड इन ए क्विज कॉम्पिटिशन, उसने एक क्विज कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता में भाग लिया। ही स्टूड फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन, वह उस प्रतियोगिता में प्रथम आया, एंड गॉट लॉट्स ऑफ प्राइजेस, और ऋषि को बहुत सारे इनाम भी मिले। ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बहुत खुश हो गया। ऑल दिस वॉज पॉसिबल, सभी चीजें संभव हो सकती हैं, ड्यू टू हिज हैबिट, अपनी आदत के कारण, ऑफ रीडिंग बुक्स, यदि हम नियमित रूप से किताबों को पढ़ेंगे तो कोई भी काम संभव हो सकता है। ही सेंड ए गिफ्ट ऑफ बुक्स टू डॉक्टर श्याम, ही सेड, उसने भेजे एक गिफ्ट, एक उपहार को भेजा, ऑफ बुक्स, किताबों के उपहार को भेजा डॉक्टर, टू डॉक्टर श्याम, डॉक्टर श्याम को भेजा। रीडिंग कैन इम्प्रूव योर स्पोक इंग्लिश, जो हम रीडिंग पढ़ते हैं उससे क्या होता है, इम्प्रूव, सुधार होता है योर स्पोकन इंग्लिश, जो भी अंग्रेजी बोलते हैं। इट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, जो तुम्हारा शब्दकोश होता है उसका विकास होता है। इंक्रीज योर नॉलेज, और जो तुम्हारा ज्ञान होता है उसका विकास होता है। एंड गिव्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, और जो अभी हमारी चीजें होती हैं वह समझ में आती हैं इन लाइफ जीवन। ये चैप्टर हमारा फिनिश है।